मेरठ के प्रहलाद नगर कॉलोनी में पलायन का मामला अभी शांत भी नहीं हुआ कि अब हिंदू बाहुल्य शास्त्री नगर जैसी पॉश कॉलोनी में भी अराजक तत्वों के कारण लोग पलायन करने को मजबूर हो गए हैं। लोगों ने अपने घरों के बाहर मकान बिकाऊ है कि पोस्टर चिपका दिए हैं। ये हाल तो तब है जब पीड़ितों से चंद कदम की दूरी पर ही भाजपा सांसद राजेंद्र अग्रवाल रहते हैं। भाजपा के जिलाध्यक्ष भी इसी शास्त्री नगर कॉलोनी में निवास करते हैं। इसके बाद भी यहाँ के लोग छेड़छाड़ से परेशान होकर पलायन की बात कह रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले संज्ञान में आया है प्रशासन के, हम सब लोग यहाँ पे आए हुए हैं और पहले कभी बताया नहीं गया इनकी कोई दिक्कतें, हम लोग इनसे बैठ के बात कर रहे हैं और जो भी दिक्कत है ये लोग बता रहे हैं, छोटी छोटी समस्याएं हैं जिसको हम लोग दूर कर लेंगे और कोई मकान बिकाने वाली कोई ऐसी बात नहीं है, नहीं कोई प्लान की बात नहीं है, ये जो भी समस्या है इनकी इनको हम लोग दूर करेंगे। अब पहले कभी इन्होंने बताया भी नहीं है पुलिस को, आज बताया है तो हम लोग इसको दूर कर लेंगे। अब वो इन सब लोग बात करते हैं, इसके बारे में बात करते हैं, बात करेंगे। छेड़छाड़ की घटनाएं बन रही है तो आप क्या करेंगे? क्या करेंगे? धरना देंगे, कुछ तो करेंगे, अपने अपनी बचाव के लिए तो कुछ तो करना पड़ेगा। बाहर बिकाऊ के पोस्टर लगे हैं, ये इसीलिए लगे हैं कि हम यहाँ पर कब तक है इनकी बात है, इसलिए हमने जो है इसका विरोध करा, विरोध करने के बाद अपना मकान बेच देंगे। अगर ऐसी हरकत रही तो हम अपना मकान बेच के चला जाऊंगा, मैं तो यहाँ से मैं तो चला जाऊंगा, चाहे कोई जाए नहीं जाए मैं जरूर जाऊंगा। बुलंदशहर पुलिस का शूटआउट ऑपरेशन लगातार जारी है। पुलिस की 25,000 रुपए के इनामी बदमाश अनुज से उस समय मुठभेड़ हो गई जब वह अपने साथी के साथ गुलावटी में किसी वारदात को अंजाम देने जा रहा था। मुठभेड़ के दौरान ही जहांगीरापुर के इनामी बदमाश अनुज के पैर में गोली लगी है जिसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने लुटेरे से एक तमंचा, कई कारतूस और बाइक बरामद की है। अच्छा, कहाँ जा रहे थे, क्या घटना रात कहाँ मुठभेड़ हुई? तो गुलावटी जा रहे थे सर। हाँ, और पुलिस के साथ मुठभेड़ हुई और मेरे गोली लगी है पैर में। हाँ, तो किन मामलों में बातचीत चल रही थी? सर वारंट चल रहे थे मेरे। हाँ, लूट में, चोरी में, गैंगस्टर में। और जो दूसरा साथी था वो तो सर फरार हो गया। संभल अमरोहा बॉर्डर के थाना आदमपुर इलाके में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। इस मुठभेड़ में बदमाश दो पुलिसकर्मियों की हत्या कर फरार हो गए, वहीं मुठभेड़ में एक बदमाश की मौत हो गई है जबकि मुठभेड़ के दौरान एक सिपाही भी घायल हुआ है। आपको बता दें कि संभल जनपद में दो सिपाहियों की हत्या करने के बाद कुख्यात बदमाश फरार हो गए थे जिनकी तलाश में अलर्ट जारी था। अमरोहा जनपद की आदमपुर पुलिस ने सिपाहियों की हत्या कर फरार हुए बदमाशों को मुखबिर की सूचना के बाद घेर लिया जिसके बाद पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई और इस मुठभेड़ में कमल नाम के बदमाश की गोली लगने से मौत हो गई है। कुछ बदमाशों के घूमने की सूचना पुलिस को प्राप्त हुई थी जिस पर पुलिस ने जंगल की घेराबंदी करके तलाशी शुरू की और इसी में एक पुलिस पार्टी से बदमाशों का आमना सामना हुआ। बदमाशों ने पुलिस पर ताबड़तोड़ फायरिंग की जिसकी जवाबी कार्रवाई में एक अपराधी को गोली लगी। अपराधी को अस्पताल लाया गया है और उसे मृत घोषित किया गया है डॉक्टर्स के द्वारा। मेरे गनर को भी गोली लगी है जिसे अस्पताल लाया गया है और उनका इलाज चल रहा है। अभी जो अपराधी मृत हुआ है उसकी शिनाख्त कमल के रूप में की गई है जो कि अभी संभल से पेशी के दौरान पुलिसकर्मियों की हत्या कर फरार हुए थे और इन पर 2.5 लाख रुपये का इनाम था। जो बाकी अभियुक्त हैं उनकी अभी तलाशी चल रही है वहाँ पर। जहां एक तरफ यूपी की योगी सरकार प्रदेश में बिजली पानी की बेहतर सुविधा देने की बात करती है तो वहीं दूसरी ओर फतेहपुर में इन दिनों लोग बिजली पानी की सुविधा ना मिलने से परेशान हैं, जिससे एक बार फिर सरकारी दावों की पोल खुलकर सामने आ गई है। बिजली पानी की दिक्कत से परेशान होकर आज राष्ट्रीय ग्रामीण संगठन की महिलाओं ने प्रेमनगर चौराहे पर चक्का जाम कर दिया और योगी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। चक्का जाम की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और महिलाओं को समझाने का प्रयास किया लेकिन महिलाएं बिजली पानी की समस्या को दुरुस्त करने की मांग पर अड़ी हैं। यूपी के बिजनौर में नापाक रिश्तों के खातिर पत्नी ने अपने ही पति से छुटकारा पाने के लिए अपने प्रेमी संग मिलकर पति की गला रेतकर हत्या कर दी। फिलहाल पुलिस ने आरोपी पत्नी को गिरफ्तार कर लिया है जबकि आशिक मिजाज आरोपी की तलाश जारी है। थाना शिवारा जनपद बिजनौर के रेपनपुर गांव में बीती रात एक हत्या का मामला प्रकाश में आया
मौके पर क्षेत्राधिकारी धामपुर और एसओ सिवारा द्वारा निरीक्षण करके पता चला कि सलाउद्दीन नाम के व्यक्ति जिसकी उम्र 45 से 50 वर्ष की थी उसकी संदिग्ध परिस्थिति में मौत हुई है और उसकी पत्नी द्वारा ये आरोप लगाया गया कि रात में इसके ऊपर सर के ऊपर पंखा गिर गया है जिसकी वजह से ये मौत हुई है। किंतु बारीक से जांच करने से पता ये चला कि उसके गले पर तेज धार के निशान थे और सर पे भारी चीज से मारने के निशान थे जिससे उसकी संदिग्ध परिस्थिति में मौत नहीं बल्कि हत्या की गई है। और उसके भाइयों द्वारा मृतक के भाइयों द्वारा इस तहरीर दी गई है जिसमें उसकी पत्नी पर ही आरोप लगाया गया है कि इसकी पत्नी से इसका लगातार झगड़ा चलता रहता था और जिसकी वजह से उसने ये उसकी हत्या की है। इस मामले में शव को पंचनामा कराकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और उसकी मृतक की पत्नी को हिरासत में लेकर पूछताछ जारी है। अभी तक जो हत्या की वजह जो उन्होंने तहरीर में दी है वो मारपीट और आपस में लड़ाई, लेकिन अस्पष्ट सूत्रों से कहना है कि ये संभवतः अवैध संबंधों का मामला। क्या नाम है आपका? ये जो आपके पति का मामला क्या था इनका? कुछ भी नहीं है, तबीयत खराब रह रही थी ना इनकी। पूरी रात इधर आधर ही जाना थे गई। अच्छा। बाहर कहीं गांव में गई कहीं किसी भी टाइम तो मैं एक लंबी जाकर रहती कोठे पे। अच्छा। मेरी तबीयत खराब है, मुझे 8 महीने हो गए मेरा दिल उखड़ गया। अच्छा। तो मुझे इस तरह शोर में मुझे नींद ना आती, मैं तो सोऊं कोठे में हूँ मैं तो गर्मियों का। अच्छा, कोई रंजिश का मामला तो नहीं था? ना जी, रंजिश तो कुछ ना थी। तो फिर इनकी गर्दन क्यों काटी गई? आप मुझे क्या पता, मैं तो कोठे पे सो रही। जब कोई रंजिश का मामला नहीं था तो गर्दन पर प्रहार करने का क्या जरूरत थी किसी की? सब पंखा पड़ा जी, मुझे इस बात का कोई पता नहीं। मैं तो 9:30 बजे चली जाऊँ और 4 बजे उठ खाऊँ, बस उठ के अपना चाय झाड़ू पोड़ा कर रोटी कर लूँ अपना, फिर अपने बड़ी पत्ता बना लूँ जल्दी इसको और नमाज पढ़ कर अपना काम कर लूँ।